नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। प्यारे साथियों, जो आज की हमारी क्लास है वो आपके कोर्स की फर्स्ट क्लास रहेगी और इसको हम नाम देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। तो प्यारे दोस्तों, ये जो क्लास है वो आपकी बिल्कुल बेसिक है। भाई देखो, आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो या ना पता हो, मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं उस बेस से यहाँ पर चलूँगा जो बिल्कुल स्टार्टिंग का बेस होता है। तो प्यारे साथियों, इस इंट्रोडक्शन की क्लास में हम जानेंगे कि जो इंग्लिश है उसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर इस क्लास को पहले से ही लिखा हुआ है। एक बार मैंने इससे पहले भी यही क्लास दी है, लेकिन वो क्लास हमारी लगभग आधे घंटे से भी ज़्यादा की थी, क्योंकि उसके अंदर मैंने ये चीज़ें लिखी नहीं थी। तो साथियों, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने इन चीज़ों को आज यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है, राइट। तो आओ साथियों, सीखते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। तो देखो दोस्तों, जो इंग्लिश है वो अपने आप में एक लैंग्वेज है। क्या है साथियों? लैंग्वेज। पहले, सबसे पहले आप इसको अच्छे से प्रोनाउंस करना सीखें। इसका जो प्रोनंसिएशन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है भाई लैंग्वेज। क्या होता है दोस्तों? लैंग्वेज। फोनेटिकल सिंबल्स में ये प्रोनंसिएशन है। तो जो इसका प्रोनंसिएशन है वो क्या है भाई? लैंग्वेज। क्या रहेगा? लैंग्वेज। अब जो लैंग्वेज है वो आती कहाँ से है मेरे प्यारे साथियों? वो आती है भाई साउंड से। लैंग्वेज बनती है साउंड से। अभी इस लैंग्वेज को देखकर ही मुझे एक और वर्ड ध्यान आता है, जिसको हम बोलते हैं भाई वर्नैकुलर। क्या बोलते हैं? वर्नैकुलर, जिसको बोलते हैं साथियों हम वर्नैकुलर। ठीक है, हिंदी में अगर इसको हम कहें तो इसको हम कहते हैं भाई बोली। क्या कहते हैं? बोली। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा भाई एक भाषा में और एक बोली में, यानी लैंग्वेज में और वर्नैकुलर में डिफरेंस क्या होता है? तो वो जो डिफरेंस होता है साथियों, वो होता है कि जो कोई भी लैंग्वेज होती है ना, कोई भी लैंग्वेज होती है उसकी एक स्क्रिप्ट होती है। क्या होती है दोस्तों? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट बोले तो हिंदी में जिसको आप बोलते हो भाई लिपि, जैसे आपकी हिंदी की है देवनागरी, है ना, इसी तरीके से इंग्लिश की जो है वो क्या है? रोमन है। ठीक है साथियों, तो लैंग्वेज की, किसी भी लैंग्वेज की एक स्क्रिप्ट होती है, और वर्नैकुलर की कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती। जैसे आपकी हरियाणवी है भाई, हरियाणवी की कोई भी आपकी स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए वो एक लैंग्वेज नहीं है, वो सिर्फ एक बोली है। ठीक है दोस्तों, स्क्रिप्ट क्या होता है भाई? राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज। क्या होता है साथियों? राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज। भाई स्क्रिप्ट क्या होती है? राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज। तो प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज और वर्नैकुलर के बीच में क्या डिफरेंस है हमने यहाँ पर देखा। अब इंग्लिश आती कहाँ से है, सॉरी ये लैंग्वेज आती कहाँ से है? ये लैंग्वेज आती है दोस्तों साउंड से। ठीक है भाई, किससे आती है? साउंड से। अब साउंड्स को हमने दो तरीके से रिप्रेजेंट यहाँ पर किया है। भाई साउंड्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दो तरीके की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। क्या होते हैं भाई? वोवल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब इंग्लिश के अंदर ये जो वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स हैं भाई, ये लेटर्स भी होते हैं, ये लेटर्स भी होते हैं। तो साथियों, पहले इनको लेटर्स के आधार पर देखते हैं। लेटर्स के आधार पर जब इनका जिक्र किया जाता है तो जो वोवल लेटर होते हैं भाई, वो अपने आप में ये फाइव लेटर होते हैं, ए ई आई ओ यू। हाँ जी, ए ई आई ओ यू, ये वोवल लेटर्स हैं हमारे सामने और ये अपने आप में संख्या में फाइव हैं। अगर हम कॉन्सोनेंट लेटर्स की बात करते हैं तो भाई जितने भी बाकी बचे हैं 26 में से, ये माइनस कर यानी बचे 21, बी सी डी जेड तक जो भी हैं इनको छोड़कर, वो सारे के सारे ही आपके कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले हमने बात की भाई साउंड्स की। ठीक है, तो ये जो लेटर्स हैं ना दोस्तों, ये जो लेटर्स हमारे सामने हैं, ये वाले जो लेटर्स हैं, ये कुल मिलाकर हमें जो साउंड्स प्रोड्यूस करवाते हैं भाई, जो ये साउंड्स हमें प्रोड्यूस करवाते हैं, वो साउंड्स जो हैं साथियों, उनको भी हमने दो भागों में यहाँ पर बांटा हुआ है।
ठीक है भाई, उनको उनकी भी एक कैटेगरी है जिसको हमने दो कैटेगरीज में बांटा हुआ है। पहली कैटेगरीज को बोला गया है भाई वोवल साउंड्स। क्या बोला गया है साथियों? वोवल साउंड्स। ठीक है भाई, इन कैटेगरीज को क्या कहोगे? वोवल साउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है भाई साउंड्स की, ऊपर बात थी लेटर्स की। लेटर्स कितने थे? 5। कंसोनेंट कितने हैं? यस 21। वोवल कितने थे? 5। अब यहाँ पर बात हो रही है साथियों साउंड्स की। अब वोवल साउंड्स कितनी है? ये जो 5 लेटर हमारे सामने है ना, ए ई आई ओ यू, ये कुल मिलाकर हमें 20 साउंड्स देते हैं दोस्तों। 20 साउंड्स हमें ये देते हैं। अब उन 20 साउंड्स को भी भाई आगे हमने कैटेगराइज किया है, और उस कैटेगरी के अंदर फर्स्ट हमारा रहता है भाई मोनोफोन्स। क्या होता है साथियों? मोनोफोन्स। ये संख्या में 12 होते हैं भाई। इनको मोनोफोन्स को दूसरा जो नाम दिया जाता है वो बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों प्योर वोवल्स। क्या बोला जाता है भाई? प्योर वोवल्स, या ये कहीं भी सिंगल वोवल साउंड, सिंगल वोवल साउंड। ठीक है भाई, सिंगल वोवल साउंड। ठीक है भाई, यस मोनोफोन या सिंगल वोवल साउंड या भी प्योर वोवल, इनके अंदर क्या होता है भाई? एक ही वोवल की साउंड आती है। ठीक है भाई, डिफथोंग्स का जब हम जिक्र करते हैं दोस्तों, डिफथोंग्स का जिक्र करते हैं तो ये अपने आप में संख्या में 8 होते हैं, और इसको डबल वोवल साउंड भी कहा जाता है भाई, डबल वोवल साउंड कहा जाता है। इसके अलावा इनको ग्लाइड भी कहा जाता है। ठीक है, मैं ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा डीप बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर इन चीज़ों को पूछ लिया जाता है, जैसे आपका सी टेट है, आपका एच टेट है। ठीक है, वहाँ पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें इनके बारे में भी जिक्र हो जाता है। तो भाई मोनोफोन्स हमारे पास 12 हैं और डिफथोंग्स हमारे पास में 8 हैं, तो 12 + 8 कितने होंगे भाई? 20। ठीक है, जब बात करते हैं साथियों हम कॉन्सोनेंट साउंड की, तो ये जो 21 लेटर्स हैं ये हमारे सामने मिलाकर कुल हमें 24 साउंड्स प्रोड्यूस करवाते हैं, और उन 24 साउंड्स के अंदर जो आपकी 15 साउंड्स हैं वो साउंड्स आपकी हैं साथी वॉइस्ड। कैसी हैं भाई? वो वॉइस्ड। और इसके अलावा जो आपकी बाकी 9 साउंड्स हैं वो हैं साथी वॉइस लेस। ठीक है, क्या है भाई? वॉइस लेस। अब जो वॉइस लेस साउंड्स हैं ना, जो वॉइस लेस साउंड्स हैं मैं उनको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, वो साउंड क्या रहेंगी साथियों? आपकी पे, चे, के, है, से, फे, से, चे और थे। तो पे, चे, के, है, से, फे, से, चे, थे, ये जो साउंड्स होती हैं मेरे दोस्तों ये होती हैं भी वॉइस लेस, और इनके अलावा जितनी भी साउंड बच गई तो वो हो गई भाई वॉइस्ड। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। अब इनका काम क्या होता है, ठीक है, वो जानेंगे हम आगे धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना है ना भाई। ठीक है, तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं भाई। साउंड्स का हमने जिक्र किया, अब ये जो लेटर्स थे उन्होंने साउंड्स तो इतनी प्रोड्यूस करवाई। ठीक है भाई, साउंड्स इतनी उन्होंने प्रोड्यूस करवाई। अब जो लेटर्स हैं ए टू जेड भाई, जो लेटर्स हैं ए टू जेड, उनका जो कॉम्बिनेशन है, उनका जो ग्रुप है फुल, उसको कहा जाता है साथियों अल्फाबेट। क्या कहा जाता है? अल्फाबेट। ध्यान रखना यहाँ पर, कई बार पेपर में दे दिया जाता है भाई अल्फाबेट्स। क्या दे दिया जाता है साथियों? अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स कहना रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, और पूरा वो जो ए टू जेड ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना उसी को जोड़कर क्या बना है मेरे दोस्तों? अल्फाबेट बना है। ठीक है भाई, तो अल्फाबेट्स कहना गलत होगा, अल्फाबेट कहना ठीक होगा। ठीक है भाई, इंग्लिश की जो व्याकरण है उसको क्या कहोगे? अल्फाबेट। क्या कहोगे भाई? अल्फाबेट। अगर आप अल्फाबेट्स कहते हो तो इसका मतलब होगा भाई वर्णमालाएं। क्या हो गई साथियों? वर्णमालाएं। तो इंग्लिश में तो एक ही वर्णमाला है, इंग्लिश में तो एक ही वर्णमाला है, तो उसको क्या कहोगे मेरे प्यारे दोस्तों? अल्फाबेट। भाई ध्यान से देखना इसको, ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब अल्फाबेट से आगे क्या बनता है साथियों? आगे बनता है भी वर्ड। अभी बेसिक्स हैं, आपको चाहिए आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है भाई, यस ये बेसिक्स हैं, इनके बगैर इंग्लिश को सीखना मुश्किल ही नहीं
नामुमकिन है। ठीक है भाई, आगे क्या आता है वर्ड। अब वर्ड क्या होता है भाई, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। लेटर्स का एक ही ग्रुप है, ठीक है, लेकिन वो कैसा है साथियों, मीनिंगफुल। ठीक है भाई, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, राइट, मीनिंगफुल वो होना चाहिए। अभी मान लीजिए जैसे मैं आपके सामने ये लिखता हूँ, मैंने यही ये लिखा भाई आपके सामने, मैंने क्या लिखा, पी ई एन, तो एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, ठीक है, ये मिलकर बन गया एक वर्ड। क्या बन गया साथियों, एक वर्ड। लेकिन ये वर्ड तब है जब इसका अपने आप में एक मीनिंग हो। ठीक है भाई, इस पेन का, पेन का अपने आप में एक मीनिंग है कि जिससे मैं लिख रहा हूँ मैं उसको क्या कहता हूँ भाई, पेन या कलम मैं उसको कहता हूँ, तो इसका अपने आप में एक मीनिंग है। अगर मैं इन्हीं लेटर्स को, अगर मैं इन्हीं लेटर्स को थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं करके लिख दूँ, अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ ई एन पी, तो लेटर्स तो वही हैं लेकिन क्या है साथियों, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो मीनिंग नहीं है तो भाई वो वर्ड भी फिर नहीं है। ठीक है, वर्ड कब होगा, जब उसका कोई अपना मीनिंग होगा। ठीक है, तो मीनिंगफुल यूनिट। अब यूनिट से जहाँ आप बात करते हो, तो यूनिट से बात करते हो तो साथियों आपके सामने यूनिट के लिए क्या आता है भाई, यूनिट के लिए आता है भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, क्या आता है साथियों, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि इंग्लिश भाषा के अंदर, इंग्लिश भाषा के अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं साथियों, 8। कोई भी डिक्शनरी का कोई भी वर्ड, डिक्शनरी का कोई भी वर्ड इन 8 में से कोई ना कोई होता है। ठीक है, पूरी इंग्लिश का कोई भी वर्ड इन 8 में से किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच का भाग होता है, यानी किसी न किसी स्पीच का पार्ट वो होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है दोस्तों, वो है भाई नाउन। फर्स्ट क्या है, नाउन, मेरे साथ साथ बोलेगा, नाउन, प्रनाउन, इस नाउन, प्रनाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव। इसके अंदर ये जो डी है साथियों क्या है, साइलेंट है, एडजेक्टिव। ए और जे के बीच का डी हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक है, क्या है भाई, एडजेक्टिव। जैसे अगर आप वर्ड लिखें, यस, इसको बहुत सारे बंदे बोलते हैं भाई एडजस्ट, क्या होता है, एडजस्ट, एडजस्ट नहीं होता साथ ही, ये ए और जे के बीच का डी हमेशा क्या होता है, साइलेंट। तो क्या कहोगे इसको, एडजस्ट, क्या कहोगे, एडजस्ट। तो बोलो मेरे साथ साथ क्या है, एडजेक्टिव, क्या है भाई, एडजेक्टिव। वर्ब क्या है साथियों, वर्ब, इसके अंदर ये रे साइलेंट होता है, क्या कहोगे, वर्ब। ठीक है, क्या कहोगे दोस्तों, वर्ब, राइट। ये रे साइलेंट क्यों है भाई, रे के बाद अगर कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर आता है, यस, कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो वो रे हमेशा साइलेंट होता है। अगर वोवल होता पीछे तो वो फिर बोला जाता। अब जैसे वर्ब में कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट है तो भाई ये बोला नहीं जाएगा, राइट। अगर इसी तरीके से अगर वर्ब वर्ड यहाँ पे होता साथियों इरिटेट, क्या है भाई, इरिटेट, तो रे के बाद क्या है भाई, आई है, और ये तो क्या है अपने आप में, कौन सी साउंड है भाई, वोवल साउंड है, तो वहाँ पर फिर ये बोला जाता है इरिटेट, राइट। तो पहला क्या है भाई, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। आगे बढ़ते हैं भाई, एडवर्ब क्या है साथियों, एडवर्ब, फिर से यहाँ पे साइलेंट है, एडवर्ब। प्रेपोजिशन, फिर से बोलो भाई, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इसको ध्यान से बोलना, यहाँ पर ये जो एन है ना ये साइलेंट नहीं होता, ये बोला जाता है, तो क्या कहोगे भाई, कंजंक्शन, क्या कहोगे साथियों, कंजंक्शन। और लास्ट में आता है भाई इंटरजेक्शन, क्या होता है साथियों, इंटरजेक्शन, भाई माइकल जैक्सन नहीं, क्या, इंटरजेक्शन, क्या कहोगे साथियों, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी सी इसकी जो परिभाषाएं हैं उनको जान लेते हैं भाई, कि नाउन क्या होता है, प्रनाउन क्या होता है, भी क्या एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो जो छोटी छोटी परिभाषाएं मैंने यहाँ पर लिखी हुई है पहले से ही, तो जो नाउन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम बोलते हैं भाई नेमिंग वर्ड। क्या बोलते हैं भाई, नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का, इंसान का, प्लेस का, किसी फीलिंग का, किसी एक्शन का। ठीक है भाई, कोई ना कोई नाम होता है हमेशा, और उसी नाम को क्या कहते हैं भाई, नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो नेमिंग वर्ड क्या होता है भाई, नाउन। प्रनाउन, प्रनाउन क्या करता है साथियों, रिप्लेसेस अ नाउन, भाई नाउन की जगह जो भी यूज होता है उसको बोला जाता है प्रनाउन। प्रनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है भाई, नाउन की जगह वो यूज होता है। जैसे मैंने कहा राम
विल नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही इज इल। तो बेटा राम की जगह मैंने दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है भाई, ही। तो वो जो ही है वो क्या है, वहाँ पे प्रोनाउन है भाई, ठीक है। इसके आगे चलते भी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन, ठीक है। और क्योंकि नाउन को रिप्लेस करता है भाई प्रोनाउन, तो इसको क्वालिफाई किसको भी करना पड़ेगा भाई, प्रोनाउन को भी, ठीक है भाई। नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो भी विशेषता बताता है, यस, नाउन और प्रोनाउन को जो भी क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषता बताता है, वो शब्द सारे के सारे क्या होते हैं साथियों, एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने कहा राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, तो सिंपल सेंटेंस है। फिर मैंने कहा राम इज अ नाइस बॉय, ठीक है। तो बॉय की क्वालिटी क्या है साथियों, नाइस, राइट। तो नाउन बॉय को किसने क्वालिफाई किया, नाइस ने, तो नाइस वहाँ पे क्या अभी एडजेक्टिव है, क्या साथियों एडजेक्टिव है। मैंने कहा ही इज नाइस, ही इज नाइस, तो ही को क्वालिफाई कौन कर रहा है अभी, नाइस वर्ड, तो नाइस वहाँ पर क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट आता है हमारा वर्ब, वर्ब होता है भाई साथियों एक्शन वर्ड, क्या होता है एक्शन वर्ड। परिभाषा तो इसकी बहुत लंबी होती है, लेकिन यहाँ पर हमने बस छोटी सी एक परिभाषा दी इसकी, एक्शन वर्ड की सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड एक्शन का काम करते हैं, ठीक है भाई, काम होने के बारे में बताते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं साथियों, वर्ब्स होते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं साथियों, एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब का काम क्या होता है भाई, एडवर्ब का काम तो बहुत ज़बरदस्त होता है, हाँ जी, एडवर्ब का काम तो बहुत ही प्यारा होता है। एक एडवर्ब क्वालिफाई करती है भाई वर्ब को, एडवर्ब क्वालिफाई करती है वर्ब को, एडवर्ब क्वालिफाई कर सकती है भाई एडजेक्टिव को, और ये भी तो हो सकता है कि एडवर्ब क्वालिफाई कर सकती है एक दूसरी एडवर्ब को, ठीक है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त बेहतरीन टॉपिक होता है साथियों एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं भाई, प्रेपोजिशन क्या है साथियों, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होते हैं भाई, रिलेटिंग वर्ड। ये सेंटेंसेस में एक नाउन को सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ में सिर्फ रिलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो रिलेट करने का काम करते हैं उनको बोला जाता है साथियों प्रेपोजिशन। नेक्स्ट आते हैं भी कंजंक्शन, कंजंक्शन का जो काम होता है सेंटेंसेस के अंदर वो होता है भाई ज्वाइनिंग वर्ड। इसको क्या बोला हमने, ज्वाइनिंग वर्ड, ये ज्वाइन करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा राम एंड सीता, तो राम और सीता को किसने ज्वाइन किया भाई, एंड ने, ठीक है। तो ये क्या करते हैं भाई, मिलाने का काम करते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है साथियों इंटरजेक्शन, क्या है भाई, माइकल जैक्सन, क्या है भाई, इंटरजेक्शन। ये ग्रामर का तो पार्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका नरेशन में आपको हेल्प करता है, राइट। पूरी ग्रामर में, नरेशन में ही ये यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, ठीक है, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सोच समझकर नहीं बोले जाते, ऐसे वर्ड्स होते हैं भाई जो सोच समझकर नहीं बोले जाते, ये सिर्फ और सिर्फ अंदर की जो भावनाएं होती हैं, सडन फीलिंग्स होती हैं, उनको उजागर करते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, यस, मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, यस, खड़े खड़े एकदम से मैं गिर जाऊँ नीचे, तो मेरे मुँह से कोई ना कोई तो आवाज़ ज़रूर निकलेगी, ओ आ, ठीक है। ये जो आवाज़ होती है मैंने इसको सोचकर नहीं बोला भाई, ऐसी जो आवाज़ें होती हैं हम सोचकर कभी नहीं बोलते, तो ऐसी ही फीलिंग्स को हम कहते हैं साथियों सडन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ठीक है भाई। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं संख्या में 8 होते हैं भाई, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है भाई। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं साथियों, हम जब वर्ड से आगे बढ़ते हैं, तो वर्ड से आगे जब हम चलते हैं तो हमारे सामने आता है भाई फ्रेज, क्या आता है साथियों, फ्रेज। अब फ्रेज देखो क्या होता है भाई, फ्रेज होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या होता है साथियों, एक वर्ड्स का भाई क्या होता है, ग्रुप होता है, यस, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है भाई, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, यस, विदाउट कम्प्लीट मीनिंग। इस चीज़ को ध्यान में रखना भाई, इस वर्ड के ऊपर ध्यान रखिए, विदाउट कम्प्लीट मीनिंग, यस, ये वर्ड्स का ग्रुप तो होता है लेकिन उस ग्रुप का कोई अपने आप में कम्प्लीट मीनिंग नहीं होता, ठीक है, कम्प्लीट मीनिंग नहीं होता। जैसे मैं कहूँ भी करण एंड रिया, अब भाई देखो भाई मीनिंग तो इसका है लेकिन अपने आप में इसका कम्प्लीट मीनिंग नहीं है भाई। कम्प्लीट मीनिंग सेंटेंस में कब हो,
कंप्लीट मीनिंग कब होगा? जब उसके अंदर कोई ना कोई वर्ब हो, ठीक है। बिना किसी वर्ब के सेंटेंस का मीनिंग कभी नहीं निकल सकता, या मैं ये कहूँ कि बिना वर्ब के कभी सेंटेंस नहीं बन सकता, ठीक है। और जो फ्रेज होते हैं वो क्या होते हैं भाई, एक ऐसा समूह होता है शब्दों का जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। मीनिंग हल्का फुल्का तो होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। आगे हमने कहा भाई इन द मॉर्निंग, सुबह, ऑन संडे, मीन संडे को, तो मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। तो भाई फ्रेज के जो टाइप्स हैं उनका अगर हम जिक्र करें तो होते हैं प्यारे दोस्तों थ्री टाइप्स हमारे सामने आते हैं। पहला है भाई नाउन फ्रेज, दूसरा है एडजेक्टिव फ्रेज, और तीसरा है साथियों एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ये हम सीखेंगे जब आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे होंगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रामर के अंदर ही सीखे जा सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, जैसे फ्रेज से आगे हम बढ़ें तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है साथियों, फ्रेज से आगे जो पार्ट हमारा आता है वो हमारा होता है भाई सेंटेंस। क्या होता है साथियों? सेंटेंस। वो क्या होता है? सेंटेंस। अब सेंटेंस किसको कहते हैं भाई? अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। यस, बिल्कुल पहले वाली ही परिभाषा है कि भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग यहाँ था। यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। यहाँ पर एक वर्ड्स का ऐसा समूह होता है दोस्तों जिसका अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है। और वो मीनिंग क्यों होता है? क्योंकि वो वेल अरेंज्ड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? वो वेल अरेंज्ड होते हैं, ठीक है भाई। वेल अरेंज्ड ये होते हैं इसलिए इनका एक मीनिंग होता है, ठीक है। अब इसको देखते हुए हमें सिर्फ दो चीज़ों की तरफ ध्यान करना पड़ता है भाई। एक तो ये वेल अरेंज्ड, ठीक है, वेल अरेंज्ड है तो भी इसका मीनिंग निकलना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? मीनिंग निकलना चाहिए। दूसरा आता है साथियों इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। यस, क्योंकि वेल अरेंज्ड होते हैं तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज़ होता है। और स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो भी इसके अंदर सब्जेक्ट होता है भाई। यस, ये सब्जेक्ट अकेले सब्जेक्ट भी हो सकता है या भी काम को करने वाला डूअर भी वो हो सकता है। दूसरा आता है दोस्तों वर्ब। क्या आता है भाई? वर्ब, ठीक है। वर्ब को अगर हम जिक्र करते हैं तो भाई ये दो तरीके से हो सकती है भाई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इनको हम तब देखेंगे जब हम टेंस कर रहे होंगे, ठीक है भाई। तीसरा आता है साथियों आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब के दो पार्ट बताए भाई हमने, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। एक मीनिंग देख लेते हैं, सॉरी एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं भाई। रिया विल बाय अ कार, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि रिया इसमें भाई सब्जेक्ट है और डूअर सब्जेक्ट है भाई ये, ठीक है। विल यहाँ पर एक भाई हेल्पिंग वर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है, बाय क्या है साथियों? मेन वर्ब है, और बच्चा जो कार है वो अपने आप में भाई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये अपने आप में एक फुल सेंटेंस है, क्योंकि फुल सेंटेंस क्यों है ये? क्योंकि ये वेल अरेंज्ड है और इसका एक अपना मीनिंग है कि भाई जो रिया है वो एक कार खरीदेगी, ठीक है। तो साथियों ये थी आज हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश क्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो हमारी रहेगी उसके अंदर हम करेंगे भाई टेंसेस को, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपने साथी को दीजिए इजाज़त, राइट। यस, बाय बाय, गुड नाइट।